और अब आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बात भोजशाला विवाद की, भोजशाला मस्जिद या मंदिर, बात इसकी। पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी वो तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र संस्कृत धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था। 98 डेज का ASI का सर्वे हुआ है, ASI ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग हो। रिपोर्ट हमने प्रस्तुत कर दी है, उस रिपोर्ट के अंदर जो भी कहा है वो उसके लिए कमेंट करने के लिए अभी रोका है। अभी नेक्स्ट हियरिंग 22 जुलाई को रखी है माननीय उच्च न्यायालय ने। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। निश्चित रूप से भोजशाला जो है वो माँ सरस्वती का स्थान है, देवी का स्थान है, सिद्ध स्थान है, वो प्राचीन स्थान है। देखिए आज की सबसे बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में धार, वहां पर भोजशाला, कमाल मौला मस्जिद, अब मस्जिद मंदिर अभी तो पता लगेगा। ASI की रिपोर्ट आ गई है, ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आ गई है, कुछ इस तरह की कलाकृतियां और वहां पर प्रमाण इस तरह के मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को जो 2000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है ना, वो रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि जिसे मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद कहता है वो असल में देवी सरस्वती का मंदिर हो सकता है। अभी नहीं पता, अभी मामला सब जुडिस है, वो मस्जिद है मंदिर है अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो मंदिर के अवशेष कुछ है कि टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको तोड़कर या उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, ये सब हो रहा है। अब जिसकी वही बात लोग कह रहे हैं हिंदू पक्ष की, भाई ये तो सरस्वती माँ सरस्वती का मंदिर है जिसका नेम प्लेट चेंज करके कमाल मौला मस्जिद वहां पर लिख दिया गया। रिपोर्ट में पहली और बड़ी बात यह आई है कि मौजूदा इमारत जिसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं उसे बेहद जल्दबाजी में बनाया गया। दूसरी बड़ी बात यह कि पुरानी इमारत की छवियों को काटकर नई इमारत में लगाया गया था। ASI को अब तक के सर्वे में क्या मिला है, सुनिए। 94 मूर्तियां साहब, 94 मूर्तियां, 94, ठीक, 94 मूर्तियां। और सुनिए, ये और मूर्ति कला के टुकड़े बरामद हुए। इसके अलावा खिड़कियों खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई जिसके सबूत मिले, देवी देवताओं की मूर्तियां। अब मस्जिद के अंदर भगवान मूर्तियां, सरस्वती, ये सब क्या है। इसके अलावा शेर, हाथी, घोड़ा, शंख, सांप, कछुआ, हंस और पक्षी की छवि उकेरी गई मूर्तियों के अंदर। ऐसी कलाकृतियां मिश्रित आकृतियों में कीर्तिमुख मानव चेहरा, सिंह चेहरा मिला है मस्जिद के अंदर। अब इसके अलावा सर्वे में पता चला है कि मानव और जानवरों की आकृतियों को विकृत किया गया क्योंकि मस्जिद में ऐसी चीजों की आकृति बनाने की मनाई होती है। अभी सब कुछ याद आ रहा होगा आपको, काशी वाला एपिसोड रिपीट हो रहा होगा, अयोध्या में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में कई बड़ी बातों का भी जिक्र किया कि 2000 पन्नों की रिपोर्ट में परिसर में हुए निर्माण के बारे में बारीकी से बताया गया जिसके मुताबिक मौजूदा इमारत क्या क्या है। मौजूदा इमारत ध्यान से सुनिएगा, एक तो मौजूदा इमारत इसमें बताया गया कि जल्दबाजी में बनाई गई मौजूदा इमारत, संस्कृत और प्राकृत में लिखे गए कई शिलालेखों का मौजूदा इमारत में इस्तेमाल, परमार काल के शिलालेख होने के पर्याप्त सबूत मिले। इसके अलावा ये देखिए, संस्कृत और प्राकृत में लिखे गए कई शिलालेखों का मौजूदा इमारत में इस्तेमाल, परमार काल के शिलालेख होने के पर्याप्त सबूत मिले। इसके अलावा अरबी और फारसी में लिखे शिलालेखों से पुराने हैं संस्कृत प्राकृत में लिखे शिलालेख, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये ASI की रिपोर्ट है साहब, ये ASI की रिपोर्ट है। अरबी और फारसी में लिखे शिलालेखों में से पुराने हैं संस्कृत प्राकृत में लिखे शिलालेख, ये काफी अहम फैक्ट है। मौजूदा इमारत की कला और वास्तुकला इस बात का संकेत देती है कि वहां पहले मंदिर मौजूद था, पहले की इमारत में लगे देवी देवताओं के चित्रों से छेड़छाड़ की गई, ये बात रिपोर्ट में लिखी गई है। पुराने मंदिरों के हिस्सों का इस्तेमाल कर बनाई गई थी मौजूदा इमारत। देखिए भोजशाला में ASI के सर्वे के दौरान कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, कई देवी देवताओं की, और इनमें मां वाग देवी, भगवान शंकर, साहब सुनते रहिए, मस्जिद के अंदर उस परिसर में
माँ वाग देवी, भगवान शंकर, हनुमान जी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। यही नहीं, और ऐसे कई सबूत मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। अलग अलग काल के चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के 31 सिक्के मिले हैं। सिक्कों में इंडो सेसियन काल के सिक्के भी मिले। मतलब कुल मिलाकर मस्जिद या मंदिर, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है ना मस्जिद के आगे, वो अब लगता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,